जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ईश्वर देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय कुमारमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्वारणा कुरुकुर बटुकाय ह्रीं। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, यह लोकोक्ति कई बार आपने साधु संतों के मुंह से सुनी होगी। और यह लोकोक्ति इसलिए बोली जाती है कि मनुष्य को हमेशा लड़ते रहना चाहिए और जीवन का बहुत बड़ा रहस्य इस साधारण सी लोकोक्ति में छिपा हुआ है। मतलब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जिसका मन हार जाता है फिर चाहे दुनिया के कितने भी साधन और शक्ति उसके पास क्यों ना हो वह जरूर पराजित होता है। एक बार और सुने, यानी जिसका मन हार जाता है फिर दुनिया के चाहे कितने भी साधन हो उसके पास और कितनी ही शक्ति उसके पास क्यों ना हो वह जरूर पराजित हो जाता है, क्योंकि मन हार जाता है। और कुछ ना होते हुए भी मनोबल जिसका बना हुआ है वह एक न एक दिन जरूर विजयी होता है। इंसान की वास्तविक ताकत तो उसका स्वयं का आत्मबल होता है, मनोबल से हीन व्यक्ति तो निर्जीव होता है। तो उठो हिंदुओं, उठो, मन को मत हारने दो, मनोबल बढ़ाओ अपना और इस हिंदुस्तान की रक्षा हिंदुत्व से करो। यदि रक्षा करने के लिए तलवार भी उठाना पड़े तो तलवार भी उठा लीजिए, यदि बंदूक की गोली भी उठाना पड़े तो उठा लीजिए, क्योंकि मन को मत हारने दो। क्योंकि मन से आप हार जाएंगे तो आप चाहे कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, आपके पास कितने ही साधन क्यों ना हो, आपके पास कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, आप पराजित हो जाओगे। आत्मबल बढ़ाओ और आत्मबल बढ़ाने के लिए आपको हवन करना होगा। शरीर कितना भी हष्टपुष्ट हो, आसान सा कार्य हो, लेकिन शरीर को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला तो मन ही है ना। सारे कार्य मन के द्वारा ही संचालित होते हैं। मन से कभी भी हार मत मानो, नहीं तो आसान सा जीवन भी आपका कठिन हो जाएगा। यदि आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है तो आप हारो मत, लड़ो, उससे लड़ने का प्रयास करो। और लड़ोगे तो आत्मबल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी आपकी, और जब आपकी विल पावर बढ़ जाएगी तो आप उस तंत्र से भी जीत जाओगे। चाहे ओघर ने किया हो, अघोरी ने किया हो, किसी तांत्रिक ने किया हो, पंडा पुजारी ने किया हो, किसी भगत ने किया हो, भोपा ने किया हो, किसी जोपा ने किया हो, तो मन को मत हारने दो तंत्र विद्या से। यदि आपके पास लड़ने की शक्ति है तंत्र विद्या से तो लड़ो, क्योंकि वो भी अदृश्य शक्ति है और आत्मबल भी अदृश्य है। एक दूसरे से लड़ेंगे तो निश्चित तौर से आपकी विजय अवश्य होगी। और उसके लिए आप चाहें तो तंत्र कैसे काटे ये आप सीख सकते हैं। आपको किसी के पास काटने जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिखा रहे हैं तंत्र कैसे काटे। हमने कई वीडियो अभी तक डाल चुके हैं, उन वीडियो का प्रयोग करो। और फिर भी काम न बनता हो तो हमसे संपर्क करो, हम आपको सिखाएंगे और सिखा रहे हैं, हर महीने सिखा रहे हैं कि तंत्र कैसे काटा है, अपना और अपने परिवार को कैसे रक्षा करोगे तंत्र से। तो मन से मत हारो, इसलिए लोकोक्ति बनाई गई है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
मुझे उम्मीद है आप अपनी विल पावर बढ़ाएंगे, अपनी आत्मबल बढ़ाएंगे, क्योंकि मनोबल यदि आपका टूट गया तो आप तो ऐसे ही मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे। मनोबल को मत टूटने दो। और उसके लिए मैं आपको बोला हूं, मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करना है, तंत्र विद्या से लड़ने के लिए आपको क्या करना है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना है, सामूहिक रूप से पूरे परिवार एक साथ बैठ करके, पूरी कॉलोनी एक साथ बैठ करके बजरंग बाण का पाठ करो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, आरती में शामिल होइए, और दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इसको दोहराओ बार बार कम से कम 15 मिनट तक, क्योंकि इसके अंदर आपकी दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा का आह्वान किया गया है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, यानी काल का विनाश करने वाली काली का भी आह्वान किया गया है। आप आह्वान ही नहीं करते तो आत्मबल कैसे बढ़ेगा, आपकी विल पावर कैसे बढ़ेगी, तंत्र विद्या से आप कैसे लड़ पाओगे। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, यानी जब दुर्गा जी और श्री काली जी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेगी तो पीछे से दूसरी जितनी भी योगिनियां हैं ये भी आपके लड़ने के लिए तैयार रहेगी आप। परंतु जब आप उनका आह्वान ही नहीं करते, उनका गान ही नहीं करते, उनको याद ही नहीं करते तो आपकी तंत्र विद्या कैसे हटेगी। आप शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करो, और जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो आप जीवित रहोगे, निर्जीव नहीं होगे, क्योंकि आपका मनोबल ही नहीं रहेगा तो आप तो ऐसे ही मृत्यु तुल्य व्यक्ति हो, मर चुके हो। तो मनोबल को मत गिरने दो। और दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, इसका गान करते रहो कम से कम आधे घंटे तक घर के अंदर सामूहिक रूप से। सूर्यास्त के समय पे जब दिया बत्ती कर देते हैं, जब दीपक लगा देते हैं घर मंदिरों के अंदर या घरों के अंदर सब जगह दीपक लग जाते हैं, उसके बाद इसका गान सामूहिक रूप से सभी व्यक्ति मिलकर के करें। जिसके घर में चौकी बैठ गई हो, जिसके ऊपर चौकी लगा दी गई हो, या फिर जिसके ऊपर ऊपरी बाधा लग गई हो, जिसको गलत गलत सपने आते हो, व्यवसाय धीरे धीरे डूबने लगता हो, बुरे बुरे सपने आने लगते हो, शरीर काम करना बंद कर देता है, मेडिकल रिपोर्टों में कुछ नहीं आता हो, तो इसका गान करना प्रारंभ करें और सामूहिक रूप से करें। मैं बार बार एक शब्द का यूज कर रहा हूं, सब मिलकर के करें, क्योंकि जब तक आप सामूहिक प्रार्थना नहीं करोगे वो शक्ति आपके पास नहीं आएगी। तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इसलिए मैं पुनः बोल रहा हूं, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मन को मत हारने देना, बस नीता सब कुछ आपके पास है। भगवान ने आपको दौलत भी दी है, ऐश्वर्य भी दिया है, धन भी दिया है, मकान भी दिया है, परंतु आप ऐसे ही मर जाओगे। इसलिए आत्ममनोबल आत्मबल कभी भी गिरने मत देना। जय माता दी, जय मां का मख्या।